मंजू बाला यादव एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आज हम एम एस सी थर्ड सेमेस्टर में जॉब्स वेरिएशन मैथड का जो है एक्सपेरिमेंटल uh, वेरीफिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट का नाम पता होना चाहिए हमें करना क्या है इट इज़ टू डिटरमाइन द कम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बिटवीन ई डी टी एथिल एंड मेटल आयन सोल्यूशन बाई जॉब्स वेरिएशन मैथड तो हमको जो कॉम्प्लेक्स बनाना है ई डी टी ए और कॉपर सल्फेट के बीच में और फिर उसका कंपोजिशन हमको निकालना है जॉब्स वेरिएशन मेथड से तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कौन से बनाने हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो हमें एम बाय हंड्रेड ई डी टी ए सोल्यूशन और एम बाई हंड्रेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाना है ठीक है और साथ में हमको पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है सॉल्यूशन की उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखें कि हमको ई डी अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे हंड्रेड एम तो सबसे पहले हमको मालिकुलर वेट ऑफ ई डी टी ए इन एम बाई हंड्रेड जितना बनाना है और कितना बनाना है हंड्रेड एम तो हंड्रेड बाई थाउजेंड इस मेथड से हमारा कैलकुलेशन करके पॉइंट टू नाइन टू ग्राम्स आ रहा है मॉडिकुलर रेट ऑफ़ ई डी टी इज़ टू नाइनटी 100 पॉइंट टू फोर इंटू वन बाय हंड्रेड इंटू वन बाई टेन दैट इज़ पॉइंट टू नाइन टू ग्राम्स अब पॉइंट टू नाइन टू ग्राम्स जो हैं वो हम तोल लेंगे और उनको हंड्रेड एम का जो वॉल्यूमेट्री क्लास्क होता है उसमें डालकर शेक करके डिजोल्व करके और फिर मार्क तक उसको मेकअप कर देते हैं अब सेकेंड आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो भी हमको 100 एम बनाना है तो उसको हमको तोलने के लिए वापस से Uh, कितना हमको बनाना है एम बाय हंड्रेड के लिए हंड्रेड एम एल के लिए सो दैट विल बी अगेन मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू एम बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड बाय थाउजेंड सो दिस विल बी पॉइंट वन फाइव नाइन सिक्स जीरो नाइन ग्राम्स तो इस तरह से सबसे पहले हम दोनों सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं अब हमको जो रिक्वायरमेंट है उसकी इंस्ट्रूमेंट की वो है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरी आपको बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं कलरीमीटर से सिर्फ हम विजिबल रीजन में पढ़ सकते हैं कलर सोल्यूशंस लेकर जबकि यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर है तो उसमें हम यू वी रीजन जो कि कलैस रीजन है उसको भी हम पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले हमको लैमडा मैक्स निकालना होता है जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं कलर्ड सॉल्यूशन तो दैट इज़ सिक्स थर्टी फाइव मीटर हमें पता है फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड मीटर जो है हम विजिबल रीजन को मानते हैं आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है वो किस प्रकार से बना है तो ए प्लस एन बी दैट इज़ ए बी एन ए जो है मेटल आयन है और बी जो साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड है या एन तो इनसे कॉम्प्लेक्स बना है आप हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एब्ज़ॉर्बेंस नापते हैं कॉम्प्लेक्स के मिक्सचर सॉल्यूशंस बना लेते हैं और उनके फिर हम एब्ज़ॉर्बेंस नापते हैं और फिर कंपोजिशन और एब्ज़ॉर्बेंस ऑफ द मिक्सचर जो आया उसके बीच में प्लॉट करते हैं और हमारा जो एब्ज़ॉर्बेंस आ जाएगा ए और बी मिक्सचर का उससे हम फिर जो है उसके कॉम्पोजिशन निकालते हैं the ratio of molar concentration of compound corresponding to maximum or minimum of the curve gives the value of n n jo hai wo aapke jo neutral ya jo ion molecule hai metallic compound metallic ion ke sath bound hai uska jo hai number humko calculate karna hai complex mein तो वो हम देखते हैं कि जो हमारा जो graph आएगा plot करने के बाद तो उसमें या तो minimum आएगा या maximum आएगा उसको हम देखकर उसका जो रेशियो लेकर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम और मिनिमम वो हमको एन की वैल्यू जो है दे देगा अब सबसे पहले हम जो है देखें कि हमारे पास सोल्यूशंस हमको मिक्सचर कैसे बनाना है तो हमने कॉपर सल्फेट का एम बाय हंड्रेड और ई का एम बाय हंड्रेड बनाया सोल्यूशन और हम उनके डिफरेंट मिक्सचर्स बनाएंगे तो सबसे पहले मिक्सचर में हम टेन एम एल कॉपर सल्फेट ले लेंगे जो हमने एम बाई हंड्रेड बनाया है और जीरो एम एल ई डी टी ठीक है ये टोटली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया और इसकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस पॉइंट जीरो टू आई एट आएगी उसके बाद हम उसको कम कर देंगे और साथ में ई डी टी ए का वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ऐसे टेन मिक्सचर्स बन जाएंगे ठीक है जो हमारा टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम रहेगा वो दस एम रहेगा और साथ में हम एब्ज़ॉर्बेंस नोट करते जाते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास डिक्रीजिंग एब्जॉर्बेंस आती हैं अब बच्चों हम इनको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के साथ आप जो है y एक्सेस पे एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे एक्स एक्सेस पे है वॉल्यूम ऑफ ई है हम नोट करेंगे जो ऐड कर रहे हैं वो लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करती हैं मैक्सीम उसपे कंपोजिशन पे तो ये हमको ग्राफ जो है मिल जाता है तो हम कहते हैं कि जो प्लॉट है कम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस इट गिव्स टू स्ट्रेट लाइंस एंड विद अ मैक्सिमा ऑबटेन इट प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ जॉब्स मेथड जॉब्स वेरिएशन मेथड को ये जो ग्राफ हमको मिला है टू स्ट्रेट लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट द मैक्सिमम कंपोजिशन ये हमको जो है जॉब वेरिएशन मेथड बताता है तो हम कहते हैं कि इन द ग्राफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमको मिलेगी वो किसको को करेगी वो हमारी जो है कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बताएगी जो कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ये हमारा आप देखिए इसके अंदर जब हमारा फाइव है और फाइव है तो हमको जो मैक्सिमम मिला है वो पॉइंट वन थ्री फाइव है ठीक है ना तो हम कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फिफ्टी परसेंट कॉपर आयन एंड फिफ्टी परसेंट ईडी टी ठीक है तो जब हमारा 5 ml हमने कॉपर प्लस लिया था और 5 ml EDTA लिया था तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ जाता है वन इज़ टू वन फॉर कॉपर एंड ई डी टी ए मोलिक्यूल अब हमको बच्चों एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमको लैमडे मैक्सिमा किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लिटरेचर से देख लेते हैं पर हमें खुद भी निकालना आना चाहिए तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो भी कलर्ड सोल्यूशन हम ले रहे हैं कोई भी उसका हम लैमडम मैक्सिमा अपने आप भी निकाल सकते हैं उसके लिए हम डायल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं सपोज यहाँ हमने कॉपर सल्फेट लिया है उसका डायल्यूट सोल्यूशन बना लिया और जो क्यूबिट होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जिसमें हम सोल्यूशन रखते हैं उसमें हम आ, जो भी उसकी डिज़ायर्ड क्वान्टिटी है उतना सोल्यूशन रख देंगे और फिर हम जो है Uh, जो हमारी मिनिमम uh, एब्जॉर्बेंस है उससे हम उसको वेरी करना शुरू करेंगे धीरे धीरे हम एब्ज़ॉर्बेंस जो है वेरी करते रहेंगे और साथ में uh, क्या नोट करते जाएंगे हम uh, धीरे धीरे वेवलेंथ जो है वो वेरी करेंगे और साथ में एब्जॉर्बेंस जो है वो नोट करेंगे तो लोएस्ट वेवलेंथ से हम शुरू कर देते हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी एबजॉर्बेंस भी चेंज होगी और एक जो है पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ कि आपको मैक्सिमम जो है वो एब्ज़ॉर्बेंस मिलेगी यहाँ पर हमको मैक्सिमम एब्ज़ॉर्बेंस मिलेगी तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है यानी कि जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमा या मैक्सिमम वेवलेंथ उसको हम बोलेंगे तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट एब्जॉर्बेंस नापेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक पॉइंट पर जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रही है वो उसकी लैम्डा मैक्सिमा होती है ठीक है तो इस प्रकार से हम जॉब्स वेरिएशन मेथड से जो है तो यहाँ पर जो कंपोजिशन निकला वो क्या निकला इसका जो कंपोजिशन निकला वो वन इज टू वन फॉर कॉपर प्लस एन ई डी टी ए यानी कि वन इज टू वन जो है मोलर इनका जो है कंपोजिशन होता है तो कॉपर और ई डी टी ए का कॉम्प्लेक्स जो है वो वन इजू वन रेशो में बनता है तो इस प्रकार से हम जो है एन uh, की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि जो मेटल आयन है और जो साथ में आपका यहाँ पर ई है या कुछ भी हो सकता है तो उनके बीच में क्या कंपोजिशन उसकी होगी तो इस प्रकार से ये हमारा जॉब स्वेलेशन मेथड है अब इसको हम आ, अलग अलग सोल्यूशन्स के लिए जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पर हमने ए डी टी ए कापर सल्फेट लिया है इस आ, इसके अलावा जो है आप कोई भी डिफरेंट हम मेटलिक आयंस और आ, जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एन आयंस उनका मिक्सचर बना के और अलग अलग जो हमारे मेटल आयंस हैं उनके लिए हम कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल सकते हैं थैंक यू